मध्य प्रदेश में सरपंच सचिव की मनमानी से आज भी कई ग्रामीण आवास योजना से वंचित हैं। ताजा मामला उज्जैन जिले के घटिया से सामने आया, जहां रुंजी ग्राम पंचायत के खेड़ी खेड़ी निवासी दो सगे भाइयों ने सरपंच सचिव पर आवास योजना का लाभ ना देने का आरोप लगाया है। दोनों भाइयों ने सरपंच सचिव से गुहार लगाई, लेकिन आज तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला। इसके बाद दोनों फरियादियों ने मीडिया के सामने आकर अपनी पीड़ा जाहिर की और सरपंच सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गया, कम से कम 4 साल से मैं भटक रहा हूँ इधर। कागज का वहाँ आवेदन दिया, वहाँ आवेदन दिया, मैंने जांच के लिए मानव अधिकारी को दे दिया, कलेक्टर साहब को 2 बार दे दिया, उसके बाद मैं सीओ साहब को 2-3 बार दे दिया, एसडीएम सर को दे दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक। अभी तक मैं कागज से कागज में मजदूरी कर करके कागज में लगा लगा के परेशान हो गया सर। मेरा घर रहने के लिए मेरे गाँव में मकान है ही नहीं बिल्कुल भी। वो सोनी जी ने तो बंटवारा कराया तीनों भाई का, तो उन्हें 15,000 रुपये ले लिए मेरे से। बोला गया 15,000 रुपये लगते हैं, मन के साहब गरीब आदमी है तो ये तो 18 लेते हैं, लेकिन तुम गरीब आदमी हो तो 15,000 रुपये दे दो। बोले यार, तो 15,000 में उन्हें बंटवारा कर लिया, वो तो उन्हें जमीन का बंटवारा कर लिया, मैं तीनों भाई का पिताजी शांत हो गए। तो संबंधित जो शिकायत करता है उसका ग्राम आबादी में कोई भूखंड ही नहीं है, वो टेक्निकल कारण है, हम उसको नहीं दे सकते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास पूरा ऑनलाइन कर दिए, जो जो पात्र लोग थे सिस्टम से नाम आ रहा है, उसमें कोई गफला थोड़ी है। वो ग्राम पंचायत के पावर का मामला नहीं है, ग्राम पंचायत वो रेवेन्यू की जमीन में उसका भूखंड है। ग्राम पंचायत अगर ग्राम आबादी में उसका होता तो हमें देने में क्या दिक्कत थी। पट्टे का सर संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है वो ग्राम आबादी से बाहर निवास रहते, पूर्व में उनका मकान बना हुआ था, जो उन्होंने वहाँ पे संजय गुर्जर जी थे उनको बेच दिया गया। जब उन्होंने मकान ही ग्राम से बेच दिया, जो उनका ग्राम आबादी मकान था वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उस मकान के भवन का रसीद हम कैसे दे सकते हैं? उसी मकान पुराने मकान के भवन का रसीद मांग रहे तो उसकी रसीद हम नहीं दे पाते। प्रार्थी किसी अन्य दूसरे का मकान है उसमें निवास रहते,